रामानुज नगर वन परिक्षेत्र में बीते 3 नवंबर को हाथी दोबारा आए हैं और लगातार इनका मैंने हम लोग सर्चिंग करवा रहे हैं, ड्यूटी लगा दिया हूँ मैं, वाहन भी उपलब्ध है। आज बीती रात को हाथी महेशपुर ग्राम के टोंगटैया पहाड़ जो है वहाँ पर पंडो परिवार जो है 3 घर बसे हुए हैं, बसे मतलब झोपड़ी बना के उसी में निवास रहते हैं। हाथी रात में आई, जबकि माइक से जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ऐसे जगह में है वो कि 1.5 किलोमीटर नीचे पहाड़ के नीचे वाहन खड़ी हो जाती है, ऊपर बाइक भी नहीं जाता, केवल पैदल लोग जा सकते हैं। तो माइक तो दूर दूर तक उनको पता भी था लेकिन वो हटे नहीं। और उसमें एक दीसु पिता भिखुराम, उम्र 11 वर्ष, जाति पंडो, और उसी की बहन काजल, पिता भिखुराम, उम्र 5 वर्ष, जाति पंडो। ये इनका बरैया डांड प्रेमनगर के पास इनका पैतृक घर है, लेकिन वो भिखुराम जो है वो चरवाहा है, तो यहीं अपना झोपड़ी डाल के वो रहता था और अभी वर्तमान में अपने परिवार को भी रखा था, फैमिली को और दोनों पुत्र पुत्री को। और हाथी के चपेट में आ गया, वो घर भी ऐसा है केवल छींद से छवाया है और बल्ली से अपना घुरान कर दिया है। तो अभी समझाइश दिया गया है और उनको अपने सामने हम लोग जो है प्रेमनगर के लिए रवाना कर दिए, और यहाँ 4 घर और हैं उनको भी जो है यहाँ से खाली करें। उनको सहायता राशि सर कितना दिया गया अभी? अभी तत्कालिक सहायता राशि 25,000 प्रति मृतक को, क्योंकि पिता एक ही है दोनों मृतक के, तो उसके पिता को ही दिया गया 50,000 रुपये। शेष जो है 5,75,000 अभी प्रकरण जमा हो जाएगा, पीएम आ जाएगा तो प्रकरण जो है। अच्छा, ये अपना क्षेत्र जो है वन विकास निगम के कक्ष क्रमांक PF 1945 के अंतर्गत आता है।